मैंने ये कहा कि अगर देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी एक बड़ा चेहरा है। तो ये जो 2024 का चुनाव है, मुझे लगता है ये मुद्दों से ज़्यादा चेहरों का चुनाव है। तो हमें एक चेहरा देना चाहिए, सारे विपक्ष को मिलकर एक चेहरा देना चाहिए। और मैंने ये भी कहा है, मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि वो चेहरा कांग्रेस का होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को अगर कोई पार्टी रोक सकने की ताकत और कुवत रखती है तो कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी के नेता और रीजनल पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं। मैं उनके नेतृत्व पर सवाल या निशान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर उनको मोदी के सामने देश के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया तो मुझे लगता है मोदी को हराना मुश्किल है। 2024 की तरफ आ ही गए हैं तो पटना में महागठबंधन की बैठक होती है। लालू यादव जी ठीक है, पर्सनली राहुल गांधी से बोलते हैं कि शादी कर लीजिए, अब दूल्हा बनना है, लेकिन क्या उन्होंने इशारा कर दिया कि महागठबंधन के चेहरे यही होंगे? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणी लालू जी को करनी चाहिए थी। आप नहीं समझ? नहीं, वो विवाह की बातें करना, घर परिवार की बातें करना, एक जब हम संयुक्त विपक्ष की बैठक कर रहे हैं, मैं उनकी इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ। विवाह करना, उनका स्टाइल यही रहा है, विवाह करना और ना करना ये राहुल जी का अपना व्यक्तिगत विषय है, इसका विपक्षी एकता से क्या ताल्लुक है? तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित था, उचित टिप्पणी है, ये नॉन सीरियस बात है। राष्ट्रीय राजनीति में हमको गंभीरता लानी होगी। अगर हम नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं, आरएसएस और इतने ताकतवर संगठनों से मोर्चा लेना चाहते हैं, तो हमें गंभीर होना पड़ेगा। हमें एक गंभीर मैसेज देश की जनता तक पहुंचाना पड़ेगा कि हम वाकई सीरियस हैं। लेकिन जब 17 पार्टियां इकट्ठा होती हैं पटना में, तो वहां पर पहले ही बहसबाजी हो जाती है कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल से ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये बयान आने लगते हैं कि अब जहां कांग्रेस होगी हम वहां नहीं हो, इस तरह से कैसे एक हो गए आप? अब ये तो केजरीवाल जी से पूछेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर जो लगातार बहस चल रही है। नहीं, जो बीजेपी ऑर्डिनेंस लाई है ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकार दे दिए जाएं, क्योंकि दिल्ली की जनता के द्वारा दिल्ली की सरकार को चुना गया, उसको एक ऑर्डिनेंस में ख़त्म कर देना ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये मांग करते हैं कि उनकी शक्तियों को छीना जा रहा है तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक फैसला है विपक्ष की एकता का, तो उसमें तो और भी कई पार्टियां नहीं हैं, मायावती जी नहीं हैं।